booster ignition and liftoff of Discovery. Science. Discovery has cleared the tower. Houston now controlling. Roll program. Namaste friends, today our topic is Newton's universal law of gravitation. That we know it, every object in the universe attracts every other object with the definite force, and this force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. अभी हमने क्या किया है, दो masses लिए, दो object जो है उनके masses हमने लिए m1 and m2, और ये दोनों भी object जो है उनके बीच का अंतर जो है ये कितना है, ये r है. And these two masses having the certain type of the force. अभी यहाँ हम देख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट लिए हमने m1 और m2 एंड दीज ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस दैट इज द r. ऑन m1 सर्टन टाइप ऑफ द फोर्स इज अप्लाइंग दैट इज द f1 एंड ऑन m2 ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट f2 द अनदर फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट. अभी इसका मैथमेटिकल फॉर्म हमको देखना है. Consider the two objects of the masses M1 and M2. Consider that the objects are very small. Object kaise consider karna hai ki these are the very small spheres of the uniform density and the distance r between their center is very large. Unke beech ka jo antar jo hai ye kaisa hai, bahut zyada hai. Kisse as compared to the radii of a sphere. Magnitude F1 and F2 of the gravitational force attraction between the two objects is directly proportional to the product of masses of the two objects and is inversely proportional to the distance between the two objects. That is nothing but the R. अभी यहाँ हमने देखे दो प्रकार के फोर्सेज जो है ये क्या अप्लाई हो रहे. सो F1 is equal to F2 is equal to G into M1 into M2 divided by R square, वेयर G इज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट विच इज नथिंग बट द कॉन्स्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी जो हमने एग्जाम्पल लिया है. नाउ अगेन यू सी हियर the same type of the example, F1 is equal to F2 is equal to G into M1 into M2 divided by R square. Above law means that if the mass of the one object is double, एक mass जो है हमने double किया तो क्या हो जाता है, force between the object also gets double, क्योंकि ये direct proportion. यदि mass बढ़ता है तो force भी बढ़ेगा, because force is directly proportional to the product of their masses. But if the distance increases by 2 unit, then at that time force decreases by the 4 unit. Means kyunki ye kaisa hai, ye inversely proportional hai. Force badhta hai to distance kam hota hai, force badhta hai to mass jo hai ye kya बढ़ता है, या मास बढ़ा तो फोर्स जो है ये क्या बढ़ता है. दिस इज अप्लीकेबल फॉर द स्पेरिकल ऑब्जेक्ट. यदि ऑब्जेक्ट जो है ये स्पेरिकल रहे तो ये अप्लीकेबल है. बट द इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट स्पेरिकल, इफ इट इज द इरेगुलर ऑब्जेक्ट, देन एट दैट टाइम वी कैन कंसिडर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विच वी आर टेकिंग हियर. अभी यहाँ दिया है सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास कैसा है, इट इज अ पॉइंट एट विच द ऑल द मासेस इट गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड टू दैट द पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ मास. पूरा का पूरा मास जो है क्या ऐसे एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट होता है, उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ
मास. कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन डज नॉट चेंज विद द नेचर मास एंड द साइज ऑफ द मटेरियल पार्टिकल. वैल्यू जो है ये कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन की क्या ये चेंज जो है नहीं होती. ये नेचर के साथ में मास जो है अलग अलग मास रह सकता है, साइज भी रहता है. एंड डज नॉट वेरी विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल. दो पार्टिकल के बीच में ये क्या है इट डजंट गेट्स वैली. इट इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू पार्टिकल्स. हेंस इट इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट. व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट बिकॉज इट डज नॉट वेरी और चेंज विद द नेचर मास और द साइज ऑफ द मटेरियल पार्टिकल. कहीं भी जाएंगे आप तो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जो है ये क्या सेम ही रहेगा. भारत में भी उतना ही रहेगा, यूएसए में भी उतना ही रहेगा. सो इट डजंट गेट वेरी विद द साइज नेचर. नाउ वी आर गोइंग टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या बता रहा है ये. फोर्स दैट बाइंड्स द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ टू द अर्थ. कौन सा भी ऑब्जेक्ट जो है ये क्या अर्थ से बाइंड किया रहता है. जैसे अपन खड़े रह रहे एज वी आर स्टैंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट मस्ट बी अ ग्रेविटेशनल फोर्स. उसके वजह से हम क्या बाइंड है पूरा चिपके हुए उसके साथ में. दूसरा है मोशन ऑफ द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट. मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट दैट गेट्स रिवॉल्व अराउंड दैट द अर्थ. इट इज ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. द नेक्स्ट इज मोशन ऑफ द प्लैनेट्स एस्टेरॉइड कॉमेट्स अराउंड द सन. जो इसके पहले में हमने देखा था केपलर्स लॉ में, उसमें बताया था जितने भी कोई प्लैनेट्स है एस्टेरॉइड जो है कॉमेट्स है दैट मूव अराउंड द सन इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट. For that, the universal gravitational constant is there. Tides of the sea due to the moon and the sun. Moon और sun के movement के वजह से tides जो आती है समुंदर में उसके लिए भी ये ही gravitational law जो है responsible है. So these are the importance of the gravitation. If you have any type of a problem or the difficulty, you may ask me in the comment box. हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिए. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फॉर द बेनिफिट्स ऑफ स्टूडेंट. थैंक यू.